नमस्ते दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं सोपी ट्विस्ट का फोमिंग बाथ बटर। इसमें हम सोपी ट्विस्ट का फोमिंग बाथ बटर बेस लेंगे। इसको हम एक बड़े से ऐसे वेसल में लेंगे, प्रेफरेबली अगर ये जैसे स्टील का ले ले तो अच्छा है, इसको सैनिटाइज करना आसान रहता है। तो इसको पहले आप अल्कोहल या आईपीए से एक बार इसको सैनिटाइज कर लीजिए थरली, ये प्रोडक्ट बनाने से पहले। और ध्यान रखिए इसके, आप कोई भी चीज़ बनाएं आप ग्लव्स पहन के बनाएं ताकि पूरा हाइजीन का उसमें मेंटेन रहे। अब इसमें हम ये फोमिंग बाथ विप बेस डालेंगे सोपी ट्विस्ट का। ये 300 ग्राम्स की पैकिंग है। तो अब हम ये बेस इसमें से निकाल के डालेंगे इस वेसल में। हम ये पूरा कंटेनर जितना हो सकता है हम ये एक स्पैचुला, सिलिकॉन स्पैचुला की हेल्प से इसे एम्प्टी कर लेंगे। इसको हमने काफ़ी हद तक एम्प्टी कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अब एक इलेक्ट्रिक बीटर की हेल्प से हम इसको विप करेंगे। इसमें आगे ये एसी अटैचमेंट्स लगी होती हैं तो ये विप करने में आसानी रहती है। एंड इसको अबाउट हम 2 टू 3 मिनट्स के लिए विप करेंगे इसमें। अब अब इसको हम थोड़ी देर के लिए रोक देंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने इसको थोड़ी देर विप कर लिया है और अब इसमें हम अपने इंग्रेडिएंट्स की एडिशन शुरू करेंगे। सो फ्रेंड्स, इसमें अब हम अपनी एक नई फ्रेग्रेंस है, लग्जूरियस टच फ्रेग्रेंस ऑयल। ये एक वाटर सॉल्युबल फ्रेग्रेंस है, इसमें हम इसको यूज करेंगे। ये अप्रोक्सीमेटली 3 टू 5 ग्राम्स आप इसमें डाल सकते हैं। अब फ्रेंड्स, इसमें अब हम अपना ये गोल्ड पर्ली पाउडर, सोपी ट्विस्ट गोल्ड पर्ली पाउडर डालेंगे ताकि इसमें गोल्डन सी शिमर दिखे। इसकी डोजेज आप अपने कलर के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, इसमें कोई फिक्स नहीं है। फ्रेग्रेंस में ही इसको डिस्पर्स कर लूंगा ताकि मेरे को मिक्स करने में ये आसानी हो जाए। आप इसको अपने कोई भी फ्रेग्रेंस एसेंशियल ऑयल में प्रीमिक्स करके अगर डालेंगे तो इसको मिक्स करना इसमें आसान हो जाएगा। डायरेक्टली डालने पे कई बार हो सकता है कि आपको कॉन्सेंट्रेटेड लम्प्स मिल जाए इसके एक पर्टिकुलर सेक्शन में, तो इसको हमेशा एडवाइजेबल होता है फ्रेग्रेंस या आप अपने ग्लिसरिन में या एसेंशियल ऑयल में इसको डिस्पर्स करके डालें ताकि एक होमोजीनियसली और एक तरीके से डले। देखिए जैसे ये है बिल्कुल। अब इसको हम अपने मिक्सचर में ऐड कर देंगे। अब फ्रेंड्स, हम इसको दोबारा विपिंग करना शुरू करेंगे जब तक ये थोड़ा सा और फ्लफ्ड अप और ये अपने से आपको ये दिखेगा ये थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है कंटेनर के अंदर, तो हम तब तक इसको मिक्स करते रहेंगे। सोपी ट्विस्ट का लिक्विड ऑरेंज कलर भी डाल रहे हैं ताकि इसका कलर थोड़ा सा और हम डार्क देख सकें। सिंस ये लिक्विड कलर है, इसकी एडिशन ऐसी ही डायरेक्ट इसके अंदर आप कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो कोई और कलर अपनी चॉइस का डालना चाहे लिक्विड कलर आप डाल सकते हैं।
इसको हम बीच में एक बार कलेक्ट कर लेंगे स्पैचुला की मदद से, और फिर उसके बाद इसको दोबारा थोड़ी देर विस्क करेंगे। फ्रेंड्स हम इसकी विपिंग रोक देंगे। अब इसको तरीका ये है देखने का कि जब इसमें आपको थोड़ी सी फॉर्म पीक्स दिख जाए, जैसे ये पीक है, ये फॉर्म दिख जाए, तो इसको हमें रोक लेना है विपिंग के लिए। इसको ज़्यादा विप करने से ये सॉफ्ट हो सकता है और नीचे बैठ सकता है। फिर ये जैसे आप पीक्स देख रहे हैं, ये ऐसे फॉर्म हो जानी चाहिए थोड़ी। इसमें आप चाहे तो ऑप्शनल शुगर डाल सकते हैं, जैसे कैस्टर शुगर, फाइन शुगर डाल के, तो वो थोड़ी सी इसकी हार्डनेस इंक्रीज कर देता है। पर ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं हो सकता कि आप इसको कपकेक्स पे विप कर सके। तो फ्रेंड्स अब इसको हम एक ये पाइपिंग बैग में डालेंगे ऐसे। इसके नीचे एक नोजल भी लगी हुई है, इसमें ऑप्शन आते हैं काफ़ी सारे। ये रीयूजेबल पाइपिंग बैग है, आप चाहे तो प्लास्टिक वाले पाइपिंग बैग का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें काफी हद तक फुल हो गया है। अब हम एक बार मटेरियल को नीचे पुश करके नोजल से उसको एक बार इसमें ही थोड़ा सा निकाल के चेक कर लेंगे। नोजल से आपका बड़े आराम से अच्छे से निकल रहा है। अब हम इसको इसके कंटेनर में फिल कर सकते हैं। आप कोई भी टाइप का अपना कंटेनर यूज कर सकते हैं, प्लास्टिक, ग्लास, जैसे आप उसको करना चाहें। फ्रेंड्स इसको हम ऊपर से सिर्फ थोड़ा सा डेकोरेशन करने के लिए हमारा गोल्डन माइका थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे इस पे आराम से, जेंटली। फ्रेंड्स आपका ये फोमिंग बाथ विप बटर अब रेडी है। ये इसे यूज कीजिए एज अ क्रीम बॉडी वॉश, एंड इट्स वेरी सॉफ्ट ऑन स्किन। आपकी स्किन को बहुत मॉइस्चराइज करेगा, सॉफ्ट रखेगा, एंड जो फ्रेगरेंस है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम फ्रेगरेंसेस दैट वी हैव, एंड अ वेरी प्लेजेंट फ्रेगरेंस। होप यू एंजॉयड द वीडियो।